तारीख मुझे बताएं तो कम से कम मुझे पता तो चले। जी सर नहीं आ रही वॉइस। अब आ रही है? जी सर अभी आ रही। ओके ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे चल थोड़ा सा चलते हैं। ये बैलेंसिंग फिगर हम करना सीख चुके हैं। आगे हमारे पास कॉन्ट्रा अकाउंट्स में रात वाले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है। अब हमारे पास ट्रायल बैलेंस आ गया डायरेक्टली। क्या आ गया जी? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या चीज़ है? क्या ये हमारे पास अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेज है किस चीज़ का, जहाँ हम लेजर से हासिल करते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्राम द लेजर कंटेनिंग फाइनल बैलेंसेज ऑफ ईच लेजर अकाउंट। यानी कि हर लेजर अकाउंट हमें बैलेंस शेयर करता है, हमें बताता है ये बैलेंस इस अकाउंटिंग हेड का इतना बैलेंस है, इस अकाउंट का इतना बैलेंस है। वो बैलेंस हम उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, डेबिट बैलेंस को डेबिट साइड के ऊपर, क्रेडिट बैलेंस को क्रेडिट साइड के ऊपर हम लिखते जाते हैं किसी भी अकाउंटिंग हेड का। तो इस तरह से हम ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं। और ट्रायल बैलेंस क्या है जी? ऑल अकाउंटिंग हेड्स हमारे पास है जी हैमिंग डेबिट बैलेंस आर लिस्टेड इन द लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड एंड लाइक वाइज अकॉर्डिंग ऑल अकाउंटिंग हेड्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस आर लिस्टेड इन द राइट हैंड साइड इन क्रेडिट साइड। मीन के डेबिट बैलेंस वालों को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड पे लिख देना है, और क्रेडिट हैंड साइड वालों को हमने क्या करना है, क्रेडिट वालों को क्या करना है, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे क्रेडिट साइड पे लिख देना है। बेसिकली क्या करें, हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ये आपके सामने शो हो रहा है 5.1 जो हमने आपने एक्सरसाइज किया है, जो आपके जिम्मे भी काम लगाया गया था वही सेम। इसमें हमने क्या किया, बैंक अकाउंट हमारे पास है, ये कितना इसका 70,500 बैलेंस आ रहा था तो हमने इसको दिया। और उसके बाद कैपिटल अकाउंट का भी ऐसे ऐसे, और कैश अकाउंट है, फिर उसके बाद कैपिटल, यानी जस्ट सिंपली हमारे पास जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाए थे ना, वैसे ही उसी तरह से हमने उसी तरतीब से यहाँ पर लिख दिया ने, इसकी सिंपली लिस्ट बना दी है। ठीक है, लिस्ट बनाने के बाद आगे अकाउंटिंग एड्स आ गए, उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट के अमाउंट है। जैसे जैसे बैलेंसेज आपके पास आते हैं सिंपली आपने पुट कर देना है। और ट्रायल बैलेंस करता क्या आपके, इसका मकसद क्या है, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपके पास एक तो एक्चुअल आपको बैलेंसेज आपको मिल जाते हैं जो कि लेजर के मुताबिक आपके होते हैं, उनकी लिस्ट आपके पास मिल जाती है एक ही जगह पे। और उसके साथ साथ ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, यानी कि ये दोनों साइड इसकी इक्वल आनी चाहिए आपके पास। क्या जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेजर हो या जर्नल हो जो कुछ भी, या फिर ट्रायल बैलेंस, इन सब की क्या होनी चाहिए हमारे पास जो के साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, मीन डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, दोनों आपस में इक्वल आनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट टिप्स क्या हैं जी हमारे पास? ट्रायल बैलेंस इज़ नीदर अ बुक ऑफ अकाउंट नॉर इट इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एमसीक्यूज है, लोग आगे इसको इस चीज़ों को गौर से पढ़ते नहीं हैं और जस्ट लगा देते हैं जी ये भी आपके पास एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जबकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं है और ये बुक ऑफ अकाउंट भी नहीं है। ठीक है जी, ट्रायल बैलेंस क्या है जी? कन्फर्म अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक कीपिंग। ये सिर्फ आपने जो कुछ रिकॉर्ड किया है उसकी एक्यूरेसी बताता है, अरिथमेटिक एक्यूरेसी जी। सम ऑफ डेबिट इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट, ये आपके पास इतना बताता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या आज हुई है, ट्रायल बैलेंस हमने सीख लिया। मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैक एंड पे बताता जाऊँ किस तरह से हमने इसको बनाया है थोड़ी सी। ये जी हमने क्या लिए, हमारे पास बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस आ रहा है जी, 70,500। यहाँ पे हमने कहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेबिट साइड के ऊपर। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी थी तो इसलिए हमने डेबिट साइड का टोटल दोनों साइड्स के ऊपर, यानी कि डेबिट साइड में भी लिख दिया और क्रेडिट साइड पर भी लिख दिया। तो फिर उसका लिया हमने डिफरेंस, किसका, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड के अमाउंट्स का हमने लिया डिफरेंस। वो डिफरेंस यहाँ पर हमने पुट कर दिया 70,500। वो बेसिकली क्या है, बैलेंस है। बेसिकली क्या चीज़ है, ये बैलेंस है। हमने लेफ्ट हैंड साइड यानी डेबिट साइड का टोटल किया, और उसके बाद जिसको हम किसी भी चीज़ का आपने टोटल करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि उसकी नेचुरल साइड कौन सी है। जैसा कि हम देखते थे ना, उस चीज़ का ग्रुप कौन सा है या उस चीज़ की नेचर क्या है, यहाँ पे वही सेम वही वाला फार्मूला है कि आपने देखना है कि उसका ग्रुप कौन सा है, नेचर उसकी नेचर क्या है। उसकी नेचर डेबिट है तो आपने सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने दूसरी साइड का टोटल करना। आम तौर पर जो जिस नेचर का अकाउंट होगा वही वाली साइड, वही वाला ग्रुप वाली साइड, यानी कि डेबिट साइड का है तो डेबिट साइड बड़ी होगी, और अगर क्रेडिट साइड का है तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी।
ऐसा आमतौर पर ये ऐसा होता है, लेकिन इसके उलट भी हो सकता है। सिर्फ ये नहीं, ये है कि जिस तरह हम कह सकते हैं कुलिया आप जस्ट एक टेक्निक है, अगर इसके उलट भी जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बैंक का जैसे हम बना रहे हैं कि डेबिट साइड ही बड़ी हो, क्रेडिट साइड भी बड़ी हो सकती है। कैसे कि आपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ली हो, ठीक है। तो इसकी सूरत में क्या होगा जी, आपके पास ये 70,500 हमारे पास बैलेंस आ गया। इसी तरह से फिर हमने कैश अकाउंट का किया। कैश अकाउंट की हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स, यानी कि हमारे पास हमने पार्टिकुलर्स में देख रहे हैं कि कितनी बार हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हुआ हमारे पास कैपिटल अकाउंट की वजह से, सेल्स अकाउंट की वजह से, फिर सेल्स अकाउंट की वजह से, एंड सेल्स अकाउंट की वजह से, एंड देन फिर सेल्स अकाउंट की वजह से। डिफरेंट हमारे पास डेट्स हैं, इन डेट्स को कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। और क्रेडिट कब हुआ है जी, हमारे पास जनवरी 8 को हुआ है, 15, 22, 24, 29 एंड हमारे पास 31 को। ये डिफरेंट डेट्स को हमारे पास क्या हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो टोटल किया 75,000 हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आई। तो 75,000 को ही हमने दोनों साइड्स के ऊपर पुट कर दिया। तो इस साइड का टोटल वैसे ही देखने से हमें कम लग रहा था, तो हमने क्या किया, तो इन दोनों का डिफरेंस लिया गया। तो हमारे पास क्या अमाउंट आ रही है जी, 50,500, ये हमारे पास बैलेंस आ गया है। इसी तरह से हमने फिर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकाला है। तो बैंक कैपिटल अकाउंट में हमारे पास क्या देखते हैं, कैपिटल अकाउंट की नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो हम देखते हैं बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, ये हमारे पास इसका टोटल क्या, 240,000, और 240,000 ही दूसरी साइड पे हमने लिख दिया। और यहाँ पे हमारे पास डेबिट साइड के ऊपर कोई भी अमाउंट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो हमने क्या किया, 240,000 की ही अमाउंट हमने लिख दिया है। यानी कि इस साइड पे कोई अमाउंट ही नहीं थी, तो हमने दोनों साइड्स को इक्वल करने के लिए अमाउंट लिखा है। तो इस तरह से ये जो हमारे पास कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस है, इसको क्रेडिट बैलेंस का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाएगा जी, क्रेडिट बैलेंस का। हमेशा जो बैलेंस आएगा वो अपोजिट साइड के ऊपर आएगा, यानी कि डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पे और क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड के ऊपर आएगा। इस तरह के पीछे हम देख चुके हैं, ये जो बैलेंस आपके पास आ रहा है बैंक अकाउंट का, ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। और इसी तरह से कैश अकाउंट का ये जो बैलेंस आ रहा है, ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि ये डेबिट साइड बड़ी है, क्या क्या ये अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है जी, और ये अमाउंट कम थी। तो इस वजह से जब हमने ये डिफरेंस ये इक्वल करने के लिए दोनों साइड को यहाँ पे बैलेंस लिखा है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि डेबिट बैलेंस ऑलवेज जो आपके पास लिखा जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर लेजर अकाउंट के अंदर। और इसी तरह से हमारे पास ये दोनों डेबिट बैलेंसेज आ चुके हैं, यानी कि जब हमने लिस्ट बनानी है, यानी हमने ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इसको हमने डेबिट साइड के ऊपर लिखना है ये बैलेंस, ठीक है जी। तो इसी तरह ये क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आ गया। फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट को हम देखते हैं, 40,000 की, और ये बैंक के थ्रू हमने पे परचेज़ किया था, तो ये पार्टिकुलर्स में रीज़न के तौर पे बैंक अकाउंट लिखा हुआ 40,000। और हमारे अपने सेल नहीं किया, कोई क्रेडिट कभी नहीं हुआ, तो हमने सिर्फ बैलेंस लिख के यहाँ पे 40,000 की अमाउंट यहाँ पे दिया, यानी 40,000 लिखी, और ये बैलेंस में भी 40,000 आ गया हमारे पास। वैन अकाउंट, तो वैन अकाउंट का भी ऐसा ही है, ये बैंक खुद के थ्रू पेमेंट की गई है, तो 60,000 ये था, तो 60,000 ही इसका है। तो इसका हमने क्या कर दिया, टोटल भी 60,000 दोनों साइड्स पे लिख दिया, और बैलेंस भी हमें 60,000 ही आ गया। अगर क्रेडिट साइड के ऊपर या डेबिट साइड के ऊपर कोई भी अमाउंट ना हो, ये सिर्फ एक ही साइड पे अमाउंट्स हो, तो हम क्या करेंगे, दूसरी साइड के ऊपर उसी अमाउंट को जो टोटल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे कि ये डेबिट साइड पे आ रही हैं कौन कौन से, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट का एंड वैन अकाउंट का, सिर्फ हमारे पास डेबिट साइड के ऊपर इनके अमाउंट्स हैं, तो क्रेडिट साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, यही टोटल लिख देंगे, और यही आपके पास बैलेंस भी आ जाएगा जब कोई अदर अमाउंट ना हो तो। और ये देख सकते हैं, और कैपिटल अकाउंट में भी हमने ऐसा ही किया है। ये स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आ गई है किसी बात की, कोई किसी को कुछ समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो काइंडली पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे चलें। ओके जी, बाकी लोग बताएं जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में भी वैसे हमारे पास बैलेंस आ चुका है, हमने पेमेंट बैंक थ्रू की थी, तो पार्टिकुलर डेबिट साइड के ऊपर हमने बैंक जो है ये क्रेडिट हुआ था, तो हमने रीजन के तौर पे लिखा हुआ है, तो बैलेंस 5,000 ही आ जाएगा, कोई अदर अमाउंट नहीं है। इसी तरह से परचेज अकाउंट में भी ऐसा ही है हमारे पास, कि हमने जॉर्डन एंड कंपनी से परचेज़ किया है, एंड डन हिल अकाउंट जो हमारे पास उससे हमने परचेज़ किए हैं। तो परचेजेस अकाउंट आपके पास तो 75,000 है, तो क्रेडिट कुछ भी नहीं, परचेज रिटर्न नहीं है, तो इसलिए हम क्या, बल्कि परचेज रिटर्न का तो हम अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो बैलेंस हमारे पास 75,000 ही आ गया।
क्राइटर जॉर्डन अकाउंट का हमारे देख सकते हैं हम, परचेजेस अकाउंट से हमने पैसे परचेज किए हैं 50,000 की, और उसको हमने पेमेंट परचेज रिटर्न कितनी की है 6,000 की, और बैंक पेमेंट कितनी की है 30,000 की हमने किया है। तो हमारे पास टोटल हमने किया है तो हमारे पास 50,000 आया डेबिट क्रेडिट साइड का, तो डेबिट साइड में भी वही हमने अमाउंट पुट कर दिया है, और हमारा पास डिफरेंस जो आ रहा है वो 14,000 है, यानी कि हमारे पास क्राइटर जॉर्डन अकाउंट का जो बैलेंस आ रहा है वो 14,000 है। ये 14,000 कौन सा बैलेंस है? ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे आता होता है? डेबिट लेजर के अंदर। फिर तो उसके बाद सेल्स अकाउंट में हम देख सकते हैं, सेल्स अकाउंट में हमारे पास कैश सेल्स हुई हैं 35,000 की, और 35,000 की अमाउंट को ही हमने दूसरी साइड पे लिख दिया है, ठीक है, और बैलेंस भी हमारे पास 35,000 ही है। वेजेस अकाउंट में हम देख सकते हैं कि 4,000 है जी वेजेस अकाउंट डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं है जी हमारे पास, तो इसलिए हमने क्या करेंगे वेजेस का बैलेंस भी वही 4,000 ही आ जाएगा। और इंश्योरेंस अकाउंट में भी ऐसा ही है, 500 का हमारे पास एक्सपेंस हुआ है, तो हमने पेमेंट उसकी बैंक के थ्रू की थी, तो बैंक अकाउंट रीजन के तौर पर डेबिट पार्टिकुलर्स में लिखा गया है, तो बैलेंस भी आपका 500 ही आ जाएगा। तो इसी तरह से परचेज रिटर्न अकाउंट में भी ऐसा ही है, जैसा कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट जो आपके पास कॉन्ट्रा अकाउंट है तो ये क्या आएगा, ये अपनी नेचर यानी कि ग्रुप के अकाउंट के अपोजिट, यानी ओरिजिनल का जो इसका ग्रुप है यानी नेचर है ओरिजिनल अकाउंट की, ओरिजिनल अकाउंट कौन सा है जी इसका, परचेज अकाउंट, उसकी नेचर क्या है जी डेबिट नेचर, या उसके नेचुरल साइड कौन सी जी डेबिट साइड। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज रिटर्न अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहा है, यानी कि जॉर्डन एंड कंपनी अकाउंट को हमने रिटर्न की गुड्स परचेज अकाउंट, सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट हमने क्या किया, परचेज रिटर्न को रिटर्न किया किसको, हमारे सेलर को जॉर्डन एंड कंपनी को 6,000 की। तो यानी परचेज अकाउंट डेबिट एंड सॉरी क्रेडिट एंड जॉर्डन एंड कंपनी अकाउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, ये डेबिट यहाँ पे रीजन के तौर पे लिखा गया है। तो इसी तरह से हमारे पास 6,000 कोई और अमाउंट नहीं है, तो 6,000 इस साइड पे आ गया, तो बैलेंस कितना आ गया हमारे पास 6,000 आ गया। इसी तरह से डन हिल अकाउंट कंपनी का अकाउंट है हमारे पास, डन हिल कंपनी का अकाउंट हम क्या हो रहा है जी, हमारे पास 11,000 बैलेंस आ रहा है, परचेज हमने 25,000 की हैं और पेमेंट इसको 14,000 की है, तो जब हमने डिफरेंस लिया दोनों का तो 11,000 इसका क्या आ रहा है हमारे पास बैलेंस आ रहा है। और स्टेशनरी अकाउंट में भी ऐसे ही हमारे पास 500 के हमने स्टेशनरी परचेज किया है, तो क्रेडिट पे कुछ साइड भी कुछ भी नहीं है, तो बैलेंस पे 500 आ जाएगा। तो ये जी हमारे पास आ गया जी, द साइड मैचिंग विद नेचर ऑफ द रेलिवेंट लेजर अकाउंट वुड ऑलवेज बी हैवियर। क्या होगा जी, जो साइड अपनी नेचर के मुताबिक मैच कर रही है वो तकरीबन हमेशा तक वुड ऑलवेज क्या मतलब, तकरीबन हमेशा बड़ी होगी। नेवर पुट सी डी आर सी एफ विद बैलेंसेज ऑफ द नॉमिनल अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंसेस, ठीक हो गया जी। हम क्यों नहीं लिखते जी सी डी एंड, सी डी का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड और सी एफ का मतलब, सॉरी सी डी का मतलब होता है कैरी डाउन और सी एफ का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड। जब हम बैलेंसेज लेते हैं ना उसकी क्या नाम है एसेट्स वगैरह के, तो उसमें हम लिख रहे होते हैं कैरी डाउन, यानी कि पिछले हमने क्या किया है पिछली अकाउंटिंग पीरियड से इतनी अमाउंट हमारे पास इस अकाउंटिंग पीरियड में या इस रिपोर्टिंग पीरियड में इतनी अमाउंट आई है, इसका बैलेंसेज आया है। इसी तरह से जब नेक्स्ट में हम कर रहे होते हैं तो कैरी फॉरवर्ड लिखते होते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट जितने भी होते हैं ये हर रिपोर्टिंग पीरियड के क्या कर दिए जाते हैं, क्लोज कर दिए जाते हैं, ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो इसलिए हमने नॉमिनल अकाउंट के साथ कैरी फॉरवर्ड का जो या कैरी डाउन यानी कि सी डी या सी एफ जो है ये हमने नहीं लगाने। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक पता चल गया जी आप लोगों को? अब कन्फ्यूजन तो नहीं किसी को होगी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के हवाले से? तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी ट्रायल बैलेंस। फिर आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट के हमारे पास 70,500 बैलेंस आया था, हमने डेबिट साइड पे लिखा, वो वहाँ पे क्या था क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था, हमने क्या नेम दिया था डेबिट बैलेंस का। तो यहाँ पे हमने जब बनाना है तो क्या करना है, डेबिट साइड के ऊपर ही लिखना है। सिर्फ लेजर के अंदर ऐसा होगा कि जो ने जिस अकाउंट की नेचर है उसके अपोजिट बैलेंस लिखा जाएगा, यानी कि क्रेडिट साइड पे आने वाला बैलेंस डेबिट बैलेंस कहलाएगा और डेबिट साइड पे आने वाला बैलेंस क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। जबकि हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाना है तो ट्रायल बैलेंस में अपनी नेचुरल साइड जो है उसकी डेबिट साइड पे ही लिखा जाएगा डेबिट बैलेंस, और क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस ही लिखा जाएगा। तो कैश अकाउंट 5,000 सॉरी 50,500 अमाउंट आ गई है, और कैपिटल अकाउंट के हमारे पास 240,000 आ चुका है। फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट 40,000 के साथ, वैन अकाउंट 60,000 के साथ, रेंट अकाउंट 55,000 एंड परचेज अकाउंट हमारे पास क्या है 75,000 एंड क्रेडिटर जॉर्डन कंपनी अकाउंट 14,000।
सेल्स अकाउंट 35,000 है और वेजेस अकाउंट 4,000, इंश्योरेंस अकाउंट 500 एंड परचेज रिटर्न अकाउंट 6,000। ये देख सकते हैं जी अपोजिट आया है, परचेज रिटर्न अकाउंट किसके अपोजिट आया जी, परचेज अकाउंट के। तो देख सकते हैं जी हमारे पास 6,000 ये आ चुका है। और उसके बाद क्रेडिटर डनहिल अकाउंट क्या है, कंपनी अकाउंट 11,000, ये हमारे क्रेडिटर डनहिल। और इसके साथ साथ एक ऊपर हमारे पास क्रेडिटर जॉर्डन, ये हमारे क्या हैं जी क्रेडिटर हैं, इनको हमने पेमेंट अभी तक करनी है, इसको 14,000 की करनी है और इनको 11,000 की। स्टेशनरी अकाउंट 500 एंड दोनों साइड्स का जब हमने टोटल किया, टोटल क्या आ गया हमारे पास, थ्री सॉरी 306,000, 306,000 दोनों साइड का हमारे पास टोटल आ जाएंगे, 3,06,000 रुपये। ये स्टूडेंट्स बताएं प्लीज, कोई कन्फ्यूजन इसमें किसी बात की समझ ना आई हो तो काइंडली आप बता सकते हैं। मैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा आपका माइक एंड म्यूट है, म्यूट है सॉरी। सर मैंने पूछना था कि हमें कैसे पता चलेगा ये इनका अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट है, या उधर लिखा होगा उन्होंने ऊपर क्वेश्चन दिया होगा, या वैसे ही हमें आप ही खुद सर्च खुद करनी भाई खुद पड़ेगी। याद करना, ये जितना जो मैंने लेक्चर्स आपको दिए हैं स्टार्ट में, पहले 3 चैप्टर्स के ऊपर, चैप्टर इतने लेक्चर्स क्यों दिए हैं, वजह यही है कि आप लोग अकाउंटिंग हेड्स को याद करें, उनके रेलिवेंट अकाउंटिंग हेड्स के आपके फिंगर टिप्स भी होने चाहिए। अब तो आपको याद होने चाहिए थे, आपको मैंने कितनी बार ये अर्ज़ किया है कि भाई ये याद कर लें, क्योंकि अकाउंटिंग हेड्स मैंने आपके साथ उसके अंदर पिक्चर भी भेजी हुई है। आप वैसे आपके थर्ड चैप्टर में भी है और फोर्थ चैप्टर में, सॉरी सेकंड चैप्टर में भी आपके पास ये हैं पढ़े, अकाउंटिंग हेड ठीक है, मेन हेड्स एंड अकाउंटिंग हेड्स, जी ठीक। इनको आप फिंगर टिप्स पे करें, यानी कि जैसे कि आपके पास टेबल याद होते थे ना, आप दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते थे, तो वैसे याद होने चाहिए ठीक है, तो तब आपको ये जल्दी जल्दी से इसको आप कर पाएंगे। ये चीज़ें एमसीक्यूज की शक्ल में पूछी जाएंगी, पूछी भी जा सकती हैं आप लोगों से, क्योंकि जब तक आपके पास वो क्लियर नहीं होगा तो आगे चीज़ें आपके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत डिफ़िकल्ट होगा। अच्छा ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे आगे जो हमारे पास पोस्टिंग फ्रॉम सब डिवाइडेड जर्नल इंटू मेन लेजर, ये हमारे पास क्या करना है, हमने सब डिवाइडेड जो हमारे पास जर्नल है इनसे मेन लेजर में हम कैसे करेंगे पोस्टिंग। हमारे पास जो जनरल जर्नल से हम कर चुके हैं ना, इसमें और उसमें फ़र्क है थोड़ा सा, क्या फ़र्क है इसको हम डिस्कस करते हैं। ये देख सकते हैं कि हमने क्या किया, परचेज जर्नल आपके पास बना हुआ है, परचेज जर्नल के हमने क्या किया, यहाँ पे परचेज जर्नल के हमने क्या किया, और इन लोगों से हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, परचेजेस की हैं, गुड्स क्या किए हैं, परचेज किए हैं जिसका हम कारोबार करते हैं, फरवरी 1 को मियाँ से किए हैं, फरवरी 3 को मलिक से, फरवरी 6 को बट से, और 10 को जाट से, और 17 को बटर से, और उसके बाद 19 को मुगल से, और 27 को कश्मीरी से, एंड 28 को मीर से। और हमने क्या किया, फरवरी 8 को हमने इसका टोटल कर दिया जो परचेजेस जर्नल था। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि परचेजेस जर्नल के अंदर क्या करना होगा, हमने परचेजेस जर्नल के अंदर हमने क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ लिस्ट बनाते हैं जिन लोगों से हम उधार पे ख़रीदते हैं ठीक है, और उसके बाद पोस्ट रेफरेंस नंबर भी आ जाएगा, इनवाइस नंबर, यानी कि इनवाइस नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं है, और अमाउंट लिखेंगे। तो परचेज जर्नल के अंदर कौन सी हमारे पास लिखी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजेज लिखी जाती हैं। जब हमने क्रेडिट परचेजेज लिख ली हैं तो आप अगर इसकी सिंपल एंट्री पास करें, कौन बताएगा इसकी सिंपल एंट्री, मुझे बताएगा जी, परचेज जर्नल की। जब हम उधार पे कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है जी, कौन बताएगा, जल्दी से बताएं प्लीज, आप से कोई एक बता दे जल्दी से प्लीज, कि जब भी कोई उधार पे ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाता है कि गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट ठीक है जी, ₹5,000, इसको हम जनरल जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सर
गुड्स टू चेस नाम क्रेडिट, क्रेडिट की तरफ लिखेंगे ना 5000। ये भाई 5000 दोनों तरफ लिखा जाएगा, आप सिर्फ सिंपल एंट्री बतानी है हमें, सिंपल एंट्री। जी प्लीज़ बताएं, अब आवाज़ आ रही है? जी सर अभी जी रिजवान बताएं, इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है, रुपीज़ 5000, 5000 की चीज़ें उधार पे ख़रीदी हैं, इसकी क्या एंट्री होगी? इस सर क्रेडिट तो भाई हुआ है ना, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो है, लेकिन इसकी एंट्री हमने रिकॉर्ड कैसे करेंगे जनरल जर्नल के अंदर? अभी किस चीज़ को डेबिट किया, किस अकाउंटिंग ऐड को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ये बताना है इसमें। जिस तरह के आपसे पूछा गया इसी तरह से आप लोगों से एमसीक्यूज की शक्ल में चीज़ें आनी हैं, और फिर जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो काइंडली इसकी प्रैक्टिस करें। तो क्या होगा जी, सिंपली हमारे पास एक्सपेंस बढ़ रहा है तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, क्रेडिट बढ़ रहा है, सॉरी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वही एंट्री हमने यहाँ पे उसके ऊपर लगानी है, यानी कि परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हमने लिखा हुआ है ये परचेज जर्नल का टोटल जो है हमने क्रेडिटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड के ऊपर पुट किया हुआ है और परचेज अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर पुट किया हुआ है। इसके मीन ये है कि आपको सिर्फ एक एंट्री आती है तो आप सब डिवीजन जो आपके पास सब डिवाइडेड जर्नल है या सब डिवीजन ऑफ जर्नल है परचेज जर्नल, इसकी आप पोस्टिंग कर सकते हैं ईजीली। यानी कि आपको पता होगा क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे चला जाएगा, क्रेडिटर्स अकाउंट की और उसके बाद परचेज अकाउंट के हमने क्या कर देना है, डेबिट साइड के ऊपर इसको पुट कर देना है। और इसी तरह से हमारे पास ये यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है जी, परचेज अकाउंट डेबिट, सैलरी और टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट। और परचेज जर्नल में जैसा कि आप लोगों को बता चुके इसकी एंट्री हम क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सैलरी या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट 25,031 के साथ हमने क्या कर दिया, इसको क्रेडिट कर दिया है। इस एंट्री से हमने क्या करना था, उसमें पोस्टिंग करनी थी। अब सेल्स जर्नल आ गया है, सेल्स जर्नल में हम क्या करते हैं, जिसमें हमने उधार पर चीज़ें खरीदी होती हैं, उधार पर चीज़ें खरीदी होती हैं, वो चीज़ें कौन सी, सॉरी सेल की होती हैं। अगेन मैं फिर बताता जाऊँ, पहले मैंने गलत जो है उलट बता दिया था, गलत बता दिया था कि हम कि सेल जर्नल के अंदर वो तमाम चीज़ें जो उन तमाम लोगों के नाम लिखते हैं, वो तमाम डेटर्स के नाम लिखे जाते हैं और साथ में अमाउंट्स लिखते हैं और इनवॉइस नंबर, जिनको हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं, सेल करते हैं, फरोख्त करते हैं। ये देख सकते हैं हमारे पास मार्च 2 से लेके मार्च 31 तक हमने डिफरेंट लोगों को चीज़ें सेल की हैं। तो टिवाना है, कंबो है, डार, टिवाना, फिर भट्टी, कंबो एंड सियाल, राजपूत, इनको डिफरेंट अमाउंट के साथ चीज़ें सेल की गई। और एट द एंड 31 मार्च को हमने इसका टोटल किया तो हमारे पास आ रहा है 25,044 रुपीज़। तो क्या करेंगे, जिस तरह से सेल्स जर्नल के अंदर जो हमने अमाउंट्स पुट की, इसकी बेसिकली एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री ये होगी, सेंड्री या टोटल क्रेडिटर्स आपके पास अकाउंट 25,044 रुपीज़ एंड सेल्स अकाउंट आपके पास होगा 25,044 रुपीज़। मीन कि यहाँ पे सेल्स का जब हम लेजर बनाएंगे तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और डेटर्स के लेजर के अंदर डेबिट साइड के ऊपर लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं ऐसा ही हुआ हुआ है, सेल्स अकाउंट के हमारे क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है और सेंड्री टोटल जो हमारे पास डेटर्स है इसके हमने क्या लिखा हुआ है, डेबिट साइड के ऊपर लिखा हुआ है अमाउंट 25,044 रुपीज़। देख सकते हैं जी आप, आपके शोर है जी आपको, तो इस तरह से ही हमने इसका पुट करना है, ये पोस्टिंग इस तरह से होगी इसकी। क्या रहे हैं, सम ऑफ परचेजेस जर्नल इज पोस्टेड इनटू परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट।
यानी कि परचेज अकाउंट की डेबिट साइड के ऊपर आएगा और क्रेडिट जो हमारे पास है उसकी क्रेडिट साइड पे आएगा। सम ऑफ सेल्स जनरल इज पोस्टेड इनटू सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड के ऊपर एंड डेटर्स अकाउंट के ऊपर हमारे पास होगा डेबिट साइड के ऊपर। जी स्टूडेंट इसकी समझ आई है आप लोगों को? ये नहीं आई काइंडली बताएं ज़रा किस किस को ये समझ आई है। जी स्टूडेंट्स प्लीज मिक्सअप हो गया। चलें जी आपको मैं दोबारा से ज़रा बता देता हूँ। अच्छा ये हमने ऐसे करना है, सबसे पहले आपको एक जो इंट्री होती है ना वो रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए। कौन सी? क्रेडिट के ऊपर। क्रेडिट के ऊपर आपने परचेज़ किया उसकी इंट्री आपको रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए, और आपने जो उधार पे जो उसके बाद आपने क्रेडिट पे सेल किया उसकी इंट्री आपको रिकॉर्ड करनी आनी चाहिए, ठीक है। क्रेडिट पे जब हम क्या करते हैं सेल कर सॉरी जब परचेज़ करते हैं तो क्या इंट्री आती है हमारे पास? परचेज अकाउंट डेबिट एंड जो आपके पास क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट आ जाता है, क्या जिनकी सेंट्री या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट हमारे पास क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाता है। इसी तरह से जब हम क्या करते हैं सेल करते हैं उधार के ऊपर तो क्या होता है? डेटर्स अकाउंट डेबिट होता है और उसके बाद सेल अकाउंट क्रेडिट होता है। डेटर्स अकाउंट क्यों डेबिट होता है? क्योंकि डेटर्स हमारा एसेट है तो इसलिए इसमें इजाफा होता है, क्योंकि हमने उधार पे सेल की है तो इस वजह से हम इसमें इजाफा होता है, इसको हम डेबिट करते हैं। सेल की नेचर ही क्रेडिट है तो जब सेल्स इंक्रीज होगी सेल्स होगी क्रिएट होगी या सेल्स में इजाफा होगा तो उसको क्या किया जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। तो इसी तरह से और परचेज के हवाले से ये परचेज हमारा एक्सपेंस है, जब भी एक्सपेंस बढ़ता है इजाफा होता है उसको डेबिट करते हैं, और जब भी क्रेडिटर्स हमारी लाइबिलिटी है जब हम उधार पे कुछ चीज़ खरीदेंगे कुछ एक्सपेंस होगा उधार पे यानी कि उसकी पेमेंट एट स्पॉट या इमीडिएटली नहीं करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी में भी इंक्रीज होगा इजाफा होगा तो हम लाइबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जी आपको पता चल गया जी, अब उधार पे जब हम खरीदें कोई चीज़ या बेचें तो क्या क्या ट्रांजेक्शन होगी? जी बाकी स्टूडेंट्स बताएं जी, बाकी लोगों को भी पता चल गया अब? जी सर। तो जी ये जो आप बोले हैं ज़रा मुझे बताएं कैसे करेंगे? अगर आपने क्या किया है उधार के ऊपर सेल की है तो क्या हम उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? इस तरह कि मैंने बताया था कि परचेज्ड गुड्स ₹5,000 ऑन क्रेडिट, इसकी क्या ट्रांजैक्शन होगी? जी प्लीज जल्दी से बताएं। जी सर कौन बताएं? जी आप बता दें, चलें आप बता दें। सर ये जो हमारे पास सेल्स है ना ये इनकम में आता है तो सेल्स इंक्रीज होगा तो ये क्रेडिट? नहीं मैंने ये पूछा बेटा परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5,000, 5,000 की आपने वो चीज़ें जिसका कारोबार करते हैं उधार पे ख़रीदी हैं तो क्या होगा इसकी ट्रांजैक्शन? सब परचेजेस इंक्रीज होंगी ना जी, परचेज अकाउंट हो जाएगा जी। प्रॉपर एंट्री बताएं आप। क्रेडिटर भी जी, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। अगर हम तो ये आपके सामने भी शो हो रही थी, अगर आप कुछ देख लेता तो ठीक है, स्क्रीन के ऊपर वही कुछ पूछा गया था। बात ये है कि जब आपने क्या करना है सिंपल एक सिंपल एंट्री होगी तो इसमें ऐसा होगा, और जब आप क्या करेंगे पोस्टिंग कर रहे होंगे किससे? परचेजेस जर्नल से, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट की जगह पे सेंड्री या टोटल का वर्ड या वो साथ में लग जाएगा, सेंड्री या टोटल का वर्ड एक इजाफा हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। तो इसी तरह से हमने क्या करना होगा, जैसा कि आप लोगों को पता कर चल चुका है कि ये आपके पास परचेजेस जर्नल है यानी कि परचेजेस जर्नल का टोटल जो हमके हमारे पास परचेज अकाउंट में आ गया और क्रेडिटर्स सेंड्री टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो क्या करना है? परचेज अकाउंट डेबिट होता है और क्रेडिटर्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो क्या मतलब? परचेज अकाउंट में डेबिट साइड पे पोस्टिंग करेंगे, डेबिट साइड पे परचेज अकाउंट में पोस्टिंग हो चुकी है देख सकते हैं आप 25,031 रुपये की, और सेंड्री या टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट में हमने क्या किया है क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग कर दी है, यानी कि जैसे ही एंट्री में हमारे पास पोस्ट हुआ हुआ था वैसे ही हमने यहाँ पर पोस्टिंग की है, और जो उनके अपोजिट अकाउंटिंग यानी कि हमारे पास हेड हैं तो उनको हमने क्या किया हुआ है रीज़न के तौर पर लिखा हुआ है। क्लियर है जी यहाँ तक? अब ये बताएं ज़रा। जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाएं जी सेल जर्नल की तरफ। अब सेल जर्नल की एंट्री क्या होती है? उधार पे जब हम सेल करते हैं तो सिंपली क्या होता है
डेटर्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जिस तरह कि आपके पास ये लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल आप ये टोटल को या सैंडी को बोल दें डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगर इसी तरह से जब हम सेल्स जर्नल से यहाँ पे इसकी एंट्री बनाना चाहें या टोटल, तो क्या होगा, सैंडरी या टोटल डेटर्स अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट आ जाएगा। तो इसी तरह से क्या होगा, यानी कि इस एंट्री से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि डेटर्स अकाउंट के डेबिट साइड के ऊपर टोटल पुट किया जाएगा सेल्स जर्नल का, और सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसको हम पोस्ट करेंगे। देख सकते हैं आप कि सैंडरी टोटल जो हमारे पास डेटर्स अकाउंट है इसके हमने क्या किया हुआ है, डेबिट साइड के ऊपर अमाउंट पुट की हुई है 25,044, और इसी तरह से हमने क्या किया हुआ पार्टिकुलर में सेल्स अकाउंट में हम देख सकते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर हमने पोस्ट की हुई है 25,044। फिलहाल आपने ये जो आगे कैश अकाउंट लिखा हो ना, इसको आपने इसके ऊपर फोकस नहीं करना, या आगे जब हम चीज़ें पढ़ेंगे इसके हवाले से कैश जनरल, तो आपको फिर मज़ीद समझ आएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास इसके अंदर भी लिखा पड़ा है, ये मेन लेजर में ये हमारे पास क्या है, पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, कैश बुक से हमने कैसे पोस्टिंग करनी है, तो ये फिर इंशाल्लाह हम बाद में सीखेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही है आप लोगों के पास, तो